सरकार के द्वारा कंपोजिशन टैक्सपेयर के लिए CMP-08 स्टेटमेंट को फाइल करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है अप्रैल से जून 2019 के क्वार्टर के लिए, जिसके बारे में कि हम इस GST न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। 36th GST Council Meeting जो कि 27 जुलाई 2019 का हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया कि कंपोजिशन टैक्सपेयर को अप्रैल 2019 से जून 2019 के क्वार्टर के लिए जो GST CMP-08 फॉर्म फाइल करना था उसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। इस प्रकार अब लास्ट डेट 31st अगस्त 2019 कर दी गई है GST CMP-08 फॉर्म को GST पोर्टल पर फाइल करने के लिए अप्रैल 2019 से जून 2019 के लिए। GST एक्ट के अंतर्गत रूल 62 दिया गया है जो कि यह कहता है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति जो कि GST की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत टैक्स पे करता है, यानी कि 3% CGST और 3% SGST की स्कीम को ऑप्ट करता है, तो उस केस में उसे अब टैक्सेस क्वार्टरली पे करने हैं। इसके लिए उसे फॉर्म GST CMP-08 में जो है टैक्सेस पे करने हैं और ये क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 तारीख तक उसे फाइल करना है GST पोर्टल पर। लेकिन यह फॉर्म GST पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए डेट को 31 जुलाई 2019 तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी भी यह फॉर्म उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है। इस प्रकार GST की कंपोजिशन स्कीम के केस में अप्रैल 2019 से जून 2019 के लिए आपको स्टेटमेंट GST CMP-08 में फाइल करनी है 31 अगस्त 2019 तक। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।